अनबॉक्सिंग इन हिंदी में आज जो लेकर के आए हैं वो है बिना टोन एयरलिंक का 4G मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट डोंगल बोल सकते हैं इसको। और ये जो वो काफ़ी गजब का लगा तो मैंने इसको परचेज कर लिया। इसमें लिखा गया है सारे नेटवर्क के साथ जो वो कंपेटेबल है ये। इस साइड में अगर आपको बताएं तो यहाँ पर दिखाया गया है कि 10 वाईफाई जो वो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, 4G प्रयोग कर सकते हैं अगर आपका 4G फ़ोन है, नहीं है तो भी। अब तो 4G फ़ोन सबके पास आ ही गए, पुराने ज़माने की बातें हो गई। इस तरफ आप देख सकते हैं दिखाया गया, इंसर्ट कीजिए डिवाइस को, सिम को इंसर्ट कीजिए, डिवाइस को ऑन कीजिए, कनेक्ट कीजिए और मज़ा लीजिए। बस इतना ही इसके साथ में है। बाकी इसके साथ दिखाया गया कि आप किस किस डिवाइस के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। 2700 mAh की बैटरी के साथ, 150 mbps की स्पीड के साथ ये आता है। बाकी तो आपने पता ही, अपने इलाके में नेटवर्क 150 mbps कहाँ देखे अपने काम करते हैं। तो फटाफट ओपन करते हैं इसको, दिखाने वाले हैं पैकेज। सबसे पहले रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा लेना और इसको परचेज करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। मुझे बेस्ट प्राइस कई जगह पर मिला था तो मैंने वो सारे लिंक इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। ओपन करते हैं पैकेज को, तो सबसे पहले सामने आपको मिल जाती है कि USB से microUSB केबल, जो कि आपकी चार्जिंग करने के लिए या फिर लैपटॉप वगैरह में कनेक्ट करने के लिए सेपरेटर लगाया गया बीच में। और साथ में मिल जाती है हमारी को एक बैटरी जो कि है 2700 mAh की, 2700 mAh की ये बैटरी। और बैटरी काफ़ी हैवी लग रही है देखने में, काफ़ी भारी जैसी लग रही है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा बैकअप दे देना चाहिए। लग रहा है, मैंने कहा नहीं दे देती है। बस हम लोग तो पहला लुक आपको दिखाने वाले हैं और चेक ही करने वाले हैं, बाकी तो इन फ्यूचर हम लोग बताएंगे कैसा रहा रिव्यू इसका आने वाले टाइम में। डिवाइस यहाँ पर रखा गया और साथ में एक पैकेज के अंदर और चीज़ थी, वो है हाँ वो तो क्विक गाइड है मेरे भाई। और इसका मॉडल भी जो वो देख सकते हैं आप, BMF 423 जो वो इसका मॉडल नंबर है। मेन यूनिट की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखिए आपके सामने कितना छोटा सा स्लीक सा मेरे हाथ में आ जा रहा है पूरा। एक बिना टोन का जो वो आपको मिल जाता है वाईफाई हॉटस्पॉट। यहाँ पर देख सकते हैं आप, चार इंडिकेटर्स दिए गए हैं, वाईफाई वाला और बैटरी वाला, और आपको दिया गया है SMS के लिए वाईफाई का आइकन दिया गया है। तो ये नेटवर्क वाला है जो आपकी सिम कार्ड का नेटवर्क है। यहाँ पर एक बटन दिया गया है, टैक्टाइल बटन है ऑन ऑफ करने के लिए इसको। नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और इस तरफ आपको WPS बटन दिया गया है कि बिना पासवर्ड के आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देंगे, चेकआउट कर सकते हो। अभी ये देख सकते हैं बिना टोन का, इस तरफ ब्रांडिंग दिया गया है। यहाँ पर इसके अंदर और कुछ खास नहीं है, ओपन करने के लिए एक थोड़ा सा गैप दिया गया है, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वो आप देख सकते हैं बिना टोन का जो ये डोंगल है, इसकी बैटरी वाला जो कंपार्टमेंट खोला है, उसके बाद अंदर की तरफ आपको मिल जाती है डिटेल्स की, आपकी वाईफाई का नाम क्या होगा, वाईफाई का पासवर्ड क्या होगा स्टार्टिंग में, बाद में तो आप सेटअप कर ही सकते हैं आपको पता ही है। तो ये डिटेल्स आप एक बार के लिए फोटो ले लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। अभी हम लोग जब इसके अंदर सिम इंसर्ट करने वाले हैं, देख सकते हैं हम लोगों ने इस तरह से जो वो सिम को लगा दिया है। यहाँ पर मेरे पास में नैनो वाला है छोटे वाला सिम कार्ड और इसमें फुल सिम कार्ड लगता है। यहाँ पर SD कार्ड लगने का ऑप्शन भी है, ये काफ़ी मेरे को गजब का लगा। तो अभी जो वो हम लोग बैटरी लगाते हैं, सिम कार्ड लगा दिया है और ये मैंने देखा कि बैटरी बहुत मुश्किल से इसके अंदर लगती है, बहुत ही ज़्यादा सेटिंग इसकी अच्छी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग स्विच ऑन, तो यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी का इंडिकेटर आ गया है ग्रीन। यहाँ पर देखिए रेड ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये शायद तो सिम कार्ड लगा नहीं है। अगर सिम कार्ड लग जाएगा तो यहाँ पर ये ग्रीन आ जाएगा। और यहाँ पर ब्लू दिखाया गया है कि SMS वगैरह के बारे में जानकारी हो, नेटवर्क आ गया है इसका मतलब ये ग्रीन हो गया है। यहाँ पर SMS की जानकारी होती है, SMS आया हुआ है कि नहीं है कोई। यहाँ पर आपको मिल जाता है वाईफाई का आइकन, अगर वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे तो शायद ये ग्रीन हो जाएगा, अदरवाइज ब्लू रहेगा। इसका मतलब ये दिखाता है कि ये इस टाइम कनेक्ट हो चुका है या नहीं। हम लोग यहाँ पर अपनी वीडियो चलाते हैं, देखते हैं 1080 pixels तक कितनी की स्पीड में ये चलेगी। और ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हमारा ये रहा वो वीडियो। हमारे पास में 720p की ही ये वीडियो है, तो थोड़ा सा लोड तो ले रही है, पता नहीं क्या कारण है, मेरे फ़ोन में ही प्रॉब्लम है कि क्या है। देखिए वाईफाई कनेक्ट करने के बावजूद भी यहाँ पर वाईफाई जो है वो शो नहीं कर रहा है ग्रीन, ये सीधा ब्लू ही जो वो आपको दिखा रहा है। अब हम लोग इसी वाईफाई पे है
मी वाईफाई लिखा हुआ है ना, देख सकते हैं आप लोग। के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज जब वो हम लोग एक जबरदस्त चीज दिखाने वाले हैं आपको, मैं आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो मैंने ये कैमरा खरीदा है, तो इनिशियल जब वो मैं बताऊं आपको इस डोंगल के बारे में, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, काफ़ी इजी एंड सिंपल है। मेरे को ये डोंगल काफ़ी अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा सिम कार्ड लगाइए, ऑन कीजिए, चार्ज लगाइए और आनंद लीजिए, पासवर्ड लगाइए। और इंटरनेट की स्पीड जब वो नॉर्मल जियो फाइव वगैरह में जो आती है वही वाली जैसी स्पीड आ रही है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर आप बात करें इसका एयरटेल का खुद का डोंगल, जब वो एयरटेल लिखा होता है, माए एयरटेल माई वाईफाई पता नहीं कुछ ऐसा होता है, वो भी बिना टोन कंपनी का ही होता है। उसके पीछे की तरफ देखेंगे आप ब्लैक कलर वाले के, तो वो बिना टोन का ही होता है, लेकिन वो सभी सिम सपोर्ट नहीं करता, ये सभी सिम कार्ड सपोर्ट करता है। बैटरी इसकी कितनी निकलती है, मैंने अभी तक इसको शुरुआत में ही यूज़ किया है। आने वाले टाइम में अगर आप कमेंट्स में डालोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। और इसका प्राइस का मैं बात करूँ, देखो लाइट ऑफ हो गई, सारी ऑन करते हैं तो ऑन हो जाती है। इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 3500 से 4000, 3000, 4000 रुपए के करीब करीब घूमता रहता है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके चेकआउट इसको कर सकते हैं। तो मुझे जो ये प्रोडक्ट पहले ही इनिशियल शुरुआत में काफ़ी ठीक लगा, छोटा सा प्रोडक्ट है, अच्छा लगा मेरे को। बैटरी इसकी काफ़ी हैवी लग रही है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना अनबॉक्सिंग की, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना, परचेज करना, चैनल डिस्क्रिप्शन में है ऐसी अनबॉक्सिंग। और देखिए हमारे साथ बने रहिए।